सर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद निशा। और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। सो गाइस, एज यू गाइस नो कि मैं कानपुर में हूँ, होम टाउन में हूँ। मैं ये बात ना जाने कितनी बार हर व्लॉग में बोल चुकी हूँ, बट गाइस हम लोग हर एक दिन या हर एक दिन छोड़कर कहीं ना कहीं घूमने निकल रहे थे, और कभी हम जू गए, कभी कहीं गए। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है कानपुर का एक काफ़ी अच्छा कैफ़े है, और यंगस्टर्स के लिए और कपल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कानपुर के स्वरूप नगर में, ऑफलाइन 2.0 कैफ़े है, 2.0 बोल लीजिए, 2.0 बोल लीजिए, ऑफलाइन कैफ़े है और स्वरूप नगर में है ये। एंड फैमिली के लिए तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, बट फ्रेंड्स के साथ में या कपल्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा प्लेस है हैंग आउट करने के लिए, यंगस्टर्स के लिए। हम लोग भी आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं क्योंकि सुना है कि काफ़ी अच्छा प्लेस है, दोस्तों से सुना है। और बच्चों वगैरह को ले जाना अलाउड है, आप किड्स को ले जा सकते हैं, बट वो भी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं। एंड गाइज मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में क्लिप्स, फोटोज या कुछ भी ऐसा शेयर कर पाऊँ उसके अंदर का, कि आपको एक आइडिया लग सके कि ये प्लेस कैसा है, क्या जगह है, कैसा है, घूमने लायक है और किन के साथ घूमने लायक है। सारी चीज़ें आपको आज के ब्लॉग में पता चलेंगी। This was all about today's vlog. I hope कि आपको आज का vlog काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने भी काफ़ी ज़्यादा enjoy किया because कानपुर में भी हम नए नए places explore कर रहे हैं, हम भी काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं इस बार। तो हम आपको भी suggest करते हैं, मैं आपको suggest करती हूँ कि आप भी ये वाले places एक बार ज़रूर checkout करिएगा। But guys to be very honest, family के अलावा आप अगर यहाँ पर friends के साथ आएंगे या जो भी आपके जो youngsters का group है तो आप ज़्यादा enjoy कर पाएंगे, या फिर couples वगैरह के लिए, friends के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आप ग्रुप में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड बहुत ज़्यादा क्लिप्स तो मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज कैफ़े के अंदर काफ़ी कोजी माहौल था, काफ़ी अच्छा माहौल था, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गया मोमेंट्स को इन्जॉय करने में। तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शूट कर पाई, क्लिप्स वगैरह नहीं शूट कर पाई, बट फोटोज़ मेरे पास काफ़ी सारी हैं, तो मैं सारी फ़ोटोज़ को आप सभी लोगों के लिए इंसर्ट कर दूँगी। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसा कैफ़े है, क्या है उसके अंदर का, और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी फ़ोटोज़ के थ्रू। तो यही था आज का व्लॉग गाइस। तो अगर आप भी कानपुर के रहने वाले हो या कानपुर आए हुए हो, कानपुर में कहीं घूमने का मन बना रहे हो, तो ज़रूर एक बार इस जगह को देखिएगा, इस जगह पर घूमने का प्लान बनाइएगा। ये देखिए लेट नाइट हो गया है और अनवित भी घूम घूम के थक गया है, तो उसको नींद आ रही है गाइस, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो वो भी स्लीपी स्लीपी सा हो रहा है, और अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का ट्रिप। फोटोज़ एंड वीडियोज़ के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ऑफलाइन कैफ़े कैसा है। तो ऑफलाइन कैफ़े ऑफलाइन 2.0 स्वरूप नगर में लोकेटेड है गाइज। सो गाइज आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने की, सो दैट कि आपको भी एक आइडिया मिल सके कि कानपुर कैसा है, कानपुर में कौन कौन सी जगह हैं जो घूमने लायक हैं, सो दैट अगर आप प्लान बनाएं नेक्स्ट टाइम कानपुर आने का, या आप यहीं के रहने वाले हैं तो आप इन जगहों का मज़ा ले पाएं। हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊं अपने वीडियोज़ में, और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं हमेशा दिल्ली NCR के, नोएडा या गाज़ियाबाद के प्लेसेस को कैप्चर करती हूँ, बट क्योंकि मैं होम टाउन आई हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए यहाँ का भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिले, अगर आप यहाँ नहीं आए हुए हो तो आपको भी एक आइडिया मिले कि हमारा शहर कैसा है। मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने सिटी को रिप्रेजेंट करने में, और मैं बिल्कुल प्राउडली कहती हूँ कि मैं एकदम पक्की वाली कानपुरिया हूँ, और मेरे साथ साथ आपको भी कानपुर घूमकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। आगे आगे आप देखेंगे कि मैं आपको बहुत
बहुत सारी जगह दिखाऊंगी कानपुर में, और हो सकता है कि अभी तक वो व्लॉग लाइव भी हो चुके हो बिकॉज शूट मैंने बहुत सारा कुछ कर लिया है। गाइज प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज कैमरा बहुत ज्यादा शेकी हो रहा है, हैंड शेक कर रहे हैं मेरे बिकॉज गाड़ी चल रही है और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, तो हाथ काफी ज्यादा हिल रहे हैं इस व्लॉग को शूट करने में, तो प्लीज इग्नोर दैट गाइज। और मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ प्लीज उस चीज पर फोकस करिए, आप बस व्लॉग का मजा लीजिए। सो गाइज आई होप कि आज का व्लॉग आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो गाइज मिलती हूँ आपसे अपने एक नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।